Hey guys, what's up everybody? Welcome to another vlog. So guys, अभी हम लोग हैं मदनपुर. So guys, अभी आज एडवोकेट वारिस पठान साहब MLA जो कि AIMIM के है भाई कला मदनपुरे में मदीना मंजिल उनके फंड से रिपेयर हो रही है. So आज वो ओपनिंग करने आने वाले हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्डिंग. आज आप लोगों ने बिल्डिंग देखा. अभी हम उनका जो वेट कर रहे हैं, अभी वो आएंगे लोगों के साथ ओपनिंग करें. चलते हैं और देखते हैं. मतलब 50 साल 60 साल इतनी तो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है. यानी आज भी हम तो बिल्डिंग में चढ़ेंगे अपन तो ऐसा लगता है कि उतरेंगे कि नहीं बाहर. इस तरह के दादर, जैसे आपने बताया दो माले पे दादर की जो अपनी हालत दस्ता है ख़राब है. 2600 बिल्डिंग थी चाचा, मगर अल्लाह ने काम करा है. मेरे पहले भी काफ़ी MLA आके गए, कुछ लोगों ने उनकी भी RTI मार के निकाला. तकरीबन 2002 से लेके इतने साल तक, मैं तो 2014 में आया,
हालांकि मैं तो गुजर गया, मुझे मैं इतना मॉडर्न पूरे में यहाँ से गया ही हुआ 96 के अंदर। मैं खुद ऐसी बिल्डिंग में रहता था जहाँ पे मेरे रुकते हैं तक के टेक प्रॉपिंग अपन बोल के रहते, पानी गिर रहा बारिश में, तो वो हालत होती थी कि हम लोग को बाल्टी से पानी निकाल के बाहर फेंकना पड़ता। तो ये सब डर मैं देख चुका हूँ मुझसे जितना हो सका, मगर क्या होता है कि प्राइवेट फंडिंग से बिल्डिंग को नहीं कर सकते, वो लोग कंप्लेन करेगा कहाँ से पैसा लाया क्या क्या। तो हम लोग फंड मिलता है एमएलए का फंड जो अपने महाराष्ट्र में बहुत कम है, नगर सेवक का फंड जो 21,000 करोड़ का फंड है बीएमसी, ये पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है, बड़े बड़े स्टेट का इतना फंड नहीं है, वो लोग कर सकते कुछ भी काम। मगर जो फंड मुझे मिला उस फंड में मैंने अपनी पूरी कोशिश करके 100% यूटिलाइज किया और उसका काम किया। आपकी बिल्डिंग का क्या हुआ था कि पहले श्रीनिवासन करके आया, बिल्कुल माडा का कुछ फंड था, मेरा जो फंड का दिया था लेटर मैंने वो लैप्स हो गया। बराबर है, लैप्स होने की वजह से ना उसने काम कर सका ना मैं काम किया, तो मशवरे में डिसाइड किया कि हम आदिल को देंगे। श्रीनिवासन से बात की आप सबने मिलकर कल परसों, कल बात हुई, बात हुई और बोले कि हम काम शुरू करें। तो अभी इंशाल्लाह श्रीनिवासन भी मान गया है, कॉन्ट्रेक्टर आपके सामने खड़ा है, हम लोग काम की शुरुआत करेंगे। और मेरा हमेशा ऐसा रहता है अगर मैं काम की शुरुआत किया तो फिर मैं चले नहीं जाता, काम को अंजाम तक पहुँचाना। तो मैं कॉन्ट्रेक्टर को बोलता हूँ आज तूने ओपनिंग किया, ये नहीं कि मैं 4 दिन बाद चालू कर रहा हूँ, 10 दिन बाद कर रहा हूँ, गणपति आ गई पानी आ गया दिवाली, नहीं, काम जो लिया है आदित सबके सामने वो शुरू करेगा इंशाल्लाह। कल जुम्मा का दिन है, कल से तू काम चालू कर। अब मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के काम शुरू होगा, थोड़ी तकलीफ आएगी, बिल्कुल आएगी, देखो सीमेंट ईंट रेती पड़ा रहेगा, परांज बांधने का काम है वो रहेगा, आपको आने जाने में थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़े दिन में अपन जब घर में खाना भी पका दे थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ होती है आगे पीछे, ये काम होगा बिल्डिंग का अपने लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है कि चलो अच्छा है काम हो, वो तकलीफ थोड़ा बर्दाश्त करना, वरना होता क्या कि 5 मरतबा काम चालू होने के बाद कुछ लोग आगे बोलते हैं भाई थोड़ा आने जाने में पैसे में सामान पड़ा है तकलीफ हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्टर ये हमेशा ख्याल इस बात का रखता है कि जितना जल्दी हो सके सामान को साफ करना, रैबिट जो है उसको फटाफट तो निकाल देना ऐसा दूसरी जगह करते हैं, वरना मेन तकलीफ रैबिट से होती है कि वो पड़ा हुआ है तो हम लोग को आने जाने में तकलीफ है, उसका ध्यान रखना और थोड़े दिन तकलीफ बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह अपना काम बड़े अच्छे से होगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, भरोसे से मेरे को बोले कि वारिस भाई काम करो और आज हम काम शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी आपकी दुआओं में मुझे याद रखो, आपकी दुआओं में आने वाले सुमार रखो, वारिस भाई को ध्यान रखना और वोट अपने को MIM को ही देना है, वारिस भाई को ही। मैं समझता हूँ मैंने 5 साल में वक्त में वो काम है तो हमको भी उनके बुरे उनके साथ में रहना है हमेशा, और हमारी दुआएं उनके साथ रहेगी, उनकी दुआ हमारे साथ रहेगी, तो हम लोग मतलब बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और क्या है असेंबली में बोलने वाला एक ही आदमी है ये समझ लो, कोई बोलता नहीं है, इतने मुसलमान है आज, अबू आसिम आजमी है या 2-3 और भी है, कोई बोलता नहीं है, एक ही आदमी आप लोग देखते हो टीवी में न्यूज में इनका ही नाम आता है यही बोलते, तो उनका भी अपने कौम का भी ख्याल करके उनको मतलब कामयाब करो। कुछ काम बचा है, कुछ काम किया है, कुछ काम बाकी है, अगर आप लोग की दुआ रही इंशाल्लाह और वक्त मिल गया मुझे आगे आने का आपकी खिदमत करने का तो मैं अपने आप को नसीबदार समझता हूँ, और मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह आपके साथ जिस तरह अभी खड़े 5 साल में तो मेरे से कोई गुस्ता की गलती हुई नहीं है, वैसे फिर भी किसी के ऊपर से लगाओ तो मैं उसके लिए माफी मांगने को भी तैयार था हमेशा हर जगह, तो वो साथ में रहेंगे इंशाल्लाह काम करेंगे, आपकी दुआओं में याद रखना, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। खैर का मामला फरमा, आने वाले इलेक्शन में जो ये तैयारी कर रहे हैं इन्हें अपने फसल से अल्लाह कामयाबी अता फरमा, आमीन। हर एक पर अपनी खुसूसी नजर कराम फरमा, बकत उससे जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहे वो भी अता फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन पे जितनी दुआएं मांगी है
के लोग तमाम गाँव में हमारा और पूरी मतलब सीमा का शांति फरमा और जो भी शुरू आपात से बना चाहिए है आपका उन तमाम शुरू आपात से हम सबकी हिफाजत फरमा उम्मत के हाल पर रहम फरमा उम्मत के हाल पर रहम फरमा जालिमों के जुल्म से उम्मत की हिफाजत फरमा अमान अदा फरमा जालिमों को नस्ल नाबूद फरमा बाकी अल्लाह जिससे जो मांगा है वो भी अदा फरमा जो मांगने से रहे वो भी अदा फरमा या रहमान जिससे मांगा है अपने रहमान के मुताबिक या रब तू अता कर अपनी शाया निशान के मुताबिक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व इन्नका अंत तवाबुर रहीम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आएगी, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।